कटवानी तो नहीं थी पर। अस्सलाम वालेकुम, नए दिन और नए व्लॉग के साथ करते हैं आगाज। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एक तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऊपर से कुछ कंटेंट नहीं होता बनाने के लिए। तो अब मैं सोया हुआ था, इतनी गहरी नहीं सोया हुआ था। मम्मा ने मुझे उठाया, मम्मा कह रही थी कि सब्ज़ी मार्केट जाना है, सब्ज़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो वो मम्मा कह रही थी ले के आओ क्योंकि छोटा भाई जा रहा है कॉलेज, तो इस वजह से फिर मुझे जाना पड़ेगा। चलें जी चलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह। वैसे तो मेरी कोई और फेवरेट है लेकिन लोकल बाइक्स में मेरी ये फेवरेट है, और ये दूसरी खड़ी है। तो चलें जी चलते हैं, अब इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा फाइनली अब घर आ गया हूँ। काफ़ी देर लग गई थी वहाँ पे क्योंकि एक तो रश काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। लास्ट टाइम जब मैं गया था उस टाइम रश कम था क्योंकि मैं गया भी लेट था। आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी चला गया था क्योंकि मम्मा मुझे जल्दी उठा दिया था, तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा जब मम्मा मुझे उठाया था। इस चीज़ के लालच के लिए मैं गया था मार्केट, वो तो चीज़ मिली नहीं, वो था गन्ने का रस। जो लड़का आता है ना गन्ने का रस सेल करने के लिए वहाँ पर, वो लड़का ही नहीं आया आज, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहा यार जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो लड़का ही नहीं आया। आज काफ़ी कुछ करने वाला है, नेट लगवाना है नया, क्योंकि जो पीठसले का नेट है वो उसको आई थिंक 2 वीक्स हो गए, वो मसला काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से फिर मेरे व्लॉग अपलोडिंग में भी काफ़ी इशू आता है, इसलिए फिर एक नया नेट आया हमारी ना इधर टाउन में, इस वजह से अब उसको लगवाएँगे। आज उसको मैं कॉल कर दूँगा, वो आ जाएँगे फिर वो लगवाएँगे, उसके बाद कटिंग भी करवानी है आज। तो इसलिए आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आके काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे, तो मम्मा ने कहा कि मैं आपको लस्सी बना देती हूँ। मैंने कहा फिर आज शक्कर वाली बना दे, तो अब मम्मा ने बनाई है शक्कर वाली लस्सी। एक सेकेंड, और गिलास में बर्फ ना गिर जाए। ये रही जी शक्कर वाली लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी मज़े की है। अच्छा तो अब मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के। आगे मैं गया था छोटी का सर्टिफिकेट लेना था कॉलेज से, वो फिर उधर गया हुआ था, फिर वहाँ से आया हूँ तो अब घर आया हूँ। इतनी कोई गर्मी है शदीद किस्म की, अभी जाना है बाल कटवाने के लिए। और वो ने नेट वाले को कॉल की थी तो वो कह रहा था मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, तो मैंने कहा चलो तब तक बाल कटवा लें, क्योंकि पीठसले का भी सेट करवाना है और दूसरा भी लगवाना है। अच्छा तो अब आ गए हैं बाल कटवाने के लिए। जो मेरे पीछे खड़ा हुआ जो लड़का, तो हेलो, इस लड़के ने मेरे बाल काटने हैं आज। तो ये भाई हमारे काफ़ी अच्छे, इरफान सॉरी इमरान भाई मुझे नाम ही भूल गया। ये हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है कि नाम लड़का कमाल, मोहम्मद कमाल, हाफज मोहम्मद कमाल। ये हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं। आजा यार बाल काट दे, तू भी लेनी जीती है। नहीं नहीं आजा, तो मैं अब लगाने लगा हूँ टाइम लैप्स, कटवाते हैं बाल भी काफ़ी ज़्यादा ना लंबे हो गए हमने देखे, काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हुए थे, तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से ना तंग काफ़ी कर रहे थे। तो कटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी हो गई है इस लड़के ने की है। अब मस्टैच काफ़ी बड़ी हो गई हुई थी तो अब इसको कटवाते हैं। काटो जी,
कटवानी तो नहीं थी पर कट हो गई क्योंकि मम्मा रखने नहीं देती, मम्मा से डांट पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैं कटवा ही ले। तब चलते हैं घर, में कॉल करता हूँ छोटे को क्योंकि वो बाइक ले गया था आके मेरे से, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, वो फिर आके मुझे लेके जाता है। ये देखिए जी सही कटिंग होगी, कैब ले लेते हैं। चले जी चलते हैं। ये देखिए जी मेरा हमसाया आ रहा है, अब इसको मैं कहता हूँ मुझे साथ ले जाओ घर लिफ्ट, उधर से छोटा भी आ गया। ये देखिए जी जिंदा पापी, चल भाई घुमा चलो। ओके जी अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ घर, घर चल के ना शावर लेते हैं, सबसे पहले ऑयल करूँगा बालों पे, ऑयलिंग करेंगे ना अच्छे तरीके से, तो उसके बाद फिर लेते हैं शावर। तो मैं शावर लेके आया था, किचन में आया हूँ तो मम्मा काट रही थी पालक, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर में पालक कैसे काटी जाती है। देखिए जी ये मशीन है, इसके अंदर यहाँ पे पालक रखेंगे मम्मा और ये वाली उठा के, और मैं यहाँ से चलाऊँगा। चलें डालें, इसको ऐसे, ये देखिए नीचे गिर रही है। चलें अब मैं बंद करने लगा हूँ, अब मैं फुली कंसंट्रेट होकर बनाता हूँ। My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like. अच्छा तो आपने देखा होगा कि पालक कैसे काटते हैं। दरअसल ना मैं शावर लेके आया था तो मम्मा ने मुझे कहा कि ना पालक कटवा दो मेरे साथ, मम्मा काट रही थी तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कटवा देता हूँ। जो प्राइवेट नेट वाला था मैंने उसको की थी कॉल, कह रहा था मैं आता हूँ, वो फिर आके देख गया था, कहता कि मैं भाई से ना डिस्कस करके पता नहीं क्या करना, तो उसने क्या नहीं आ जाऊँगा ना, तो मैं कहा चलो ठीक है ओके हो गया, वो चले गया। फिर मैंने पीटसर वाले को कॉल की, पीटसर वाला कह रहा था कहता मैं यहीं पर हूँ, वो कहता मैं आता हूँ अभी तक आया ही नहीं है यार, नेट ही नहीं है यार, व्लॉग कैसे अपलोड करूँगा मैं। एक तो बाल काफ़ी ज़्यादा ही छोटे हो गए, लेकिन खैर कोई नहीं, आज दोबारा फिर आ जाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, आंधी भी चलती रही है एक दो दफ़ा ना, आंधी नहीं उसका कह सकते, तेज़ हवा कह सकते हैं जो मिट्टी उड़ा रही थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बादल शादी लूँगा मैं, अब अल्लाह करे बारिश हो जाए क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा हो गया हुआ है और बहुत ही प्यारा हो गया है। ये देखिए क्या कह रहे बादल फुल हर तरफ से ना, हर साइडों पे बादल हो गया हुआ है। ये जो मुर्गियां हैं ना ये मेरे व्लॉग की ऐसी तैसी करती है, सुबह टाइम में बनाऊँ वीडियो सुबह टाइम इन्होंने बोलना था, शाम टाइम बनाऊँ शाम टाइम, रात टाइम बनाऊँ रात टाइम, इन्होंने कुकड़ू कुकड़ू मेरी हर व्लॉग में इनकी आवाज़ होती है। अच्छा मेरे की बात है, हर व्लॉग में इनकी आवाज़ होती है कुकड़ू कुकड़ू की। इंतज़ार वो क्या गाना है, इंतहा हो गई इंतज़ार की, वो सिस्टम हुआ है। अब बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब पीटसल वाला आए और नेट चले और मैं कुछ देखूँ नेटफ्लिक्स पे भी, और फिर व्लॉग भी अपलोड करना है, देखो क्या बनता है। अगर आज हो गया तो फिर कल आ जाएगा व्लॉग, नहीं तो फिर अगले दिन से। क्या देख कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। अच्छा तो नेट वाले का इंतज़ार कर करके थक गया हूँ मैं, मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो इधर लॉन में बैठे हुए हैं खाना छाना खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है। अब ये वाला व्लॉग मैं कल तो नहीं खैर परसों डालूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, फिलहाल आप सीन इंजॉय करें। देखिए जी बाबा बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला बैठा हुआ है, एहसान भाई बैठे हुए हैं। अच्छा तो होपफुली आपको भी लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फी मानिल्ला, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके जी बाय बाय।